फेमस लैंडमार्क जिसने इन देशों को दी पहचान। देवियों सज्जनों और आप सभी सहयोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। फेमस लैंडमार्क जिसने इन देशों को दी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मोहब्बत की निशानी आगरा का ताजमहल हो या पेरिस का एफिल टावर या द गेट वॉल ऑफ चाइना, इन सभी ने बढ़ाई अपने देशों की शान और पर्यटकों को लुभाया अपनी ओर। तो आइए जानें इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फेमस इमारतों के बारे में जिसकी वजह से उन देशों का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। एफिल टावर, इन मंजिलों वाला या मेटल टावर पेरिस के सिटी सेंटर में स्थित है। इसे फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1889 के विश्व मेले के लिए बनाया गया था। 324 मीटर यानी कि 1062 फीट ऊंचे एफिल टावर का निर्माण एफिल और इंजीनियरों की एक टीम ने किया था। इसके उद्घाटन के बाद से 250 मिलियन से अधिक लोगों ने टावर का दौरा किया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह पूरे चीन में बहुत लंबी दूरी के खंडों में चलता है। इस दीवार को लंबी दीवार भी कहा जाता है क्योंकि यह 21,196 किलोमीटर यानी कि 13,171 मील से अधिक लंबी है। इसे पत्थरों, ईंटों और टाइलों, मिट्टी के साथ साथ लकड़ी की सामग्री से बनाया गया था। चीन सी हुआंग को चीन की सबसे बड़ी दीवार बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। क्रेमलिन, क्रेमलिन दीवारों वाला एक किला है और इसे मोस्कवा नदी के किनारे बनाया गया है। 500 साल से अधिक पुराने क्रेमलिन में इसके 20 टावरों के साथ साथ 4 चर्च और दीवारों के भीतर 5 महल शामिल है। क्रेमलिन कभी जारों का निवास था लेकिन आज यहाँ पर राष्ट्रपति रहा करता है। लीनिंग टावर ऑफ पीजा, पीसा की झुकती मीनार इटली के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। पीसा कैथेड्रल का फ्री स्टैंडिंग बेल टावर लगभग 200 वर्षों में बनाया गया था और 1399 में कार्य समाप्त हुआ था। टावर की मूल ऊंचाई 60 मीटर यानी कि 196 फीट थी लेकिन जैसे जैसे यह झुक रही है सबसे निचला हिस्सा अब 186 मीटर यानी कि 184 फीट से कम है। मिट्टी के नरम, रेतीले और अस्थिर होने के कारण निर्माण में पहले से ही कई समस्याएं थी। गौरतलब है कि पीजा की मीनार के निर्माण करने वाले के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ग्रेट पिरामिड, ग्रेट पिरामिड काहिरा के पास गीजा का महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है और इन प्राचीन विश्व अजूबों में से एकमात्र है जो अभी भी मौजूद है। पिरामिड पत्थर और ईंटों से बने हैं और मिस्र की राजधानी काहिरा के पास खड़े हैं। मिस्र के पिरामिड ऐसे समय बनाए गए थे जब केवल शारीरिक श्रम था और कोई मशीन उठाने के उपकरण उपलब्ध नहीं होते थे। माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड के निर्माण का क्रेडिट खुफू वजीर को दिया जाता है। इसका उपयोग प्राचीन मिस्र में शासन करने वाले फिरौन के शवों को रखने के लिए किया गया था। ओपेरा हाउस, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में बना सिडनी ओपेरा हाउस अपने छत की आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। ओपेरा हाउस डेनमार्क के जोर्न युटजोन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे 1959 में और 1973 के बीच बनाया गया था। इसकी छत 1 मिलियन से अधिक टाइलों से ढकी हुई है। यह स्वीडन में निर्मित किए गए थे। ओपेरा हाउस में कई प्रदर्शन हॉल और थिएटर और प्रदर्शनी स्थान है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में 1884 में किया गया था। स्मारक को 350 टुकड़ों में विभाजित किया गया था और 214 बक्से में पैक किया गया था और न्यूयॉर्क भेज दिया गया था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 1886 में अमेरिकी शताब्दी पर अमेरिकी लोगों के फ्रांस के लोगों की तरफ से एक उपहार था। इसका निर्माण फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्टफोल्डिक द्वारा डिजाइन किया गया था। ताजमहल, ताजमहल को दुनिया में मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। ताजमहल को 1632 में बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए एक मकबरा बनाने का निर्देश दिया। ऐसा कहा जाता है कि 20,000 से अधिक श्रमिकों ने ताजमहल का निर्माण किया था और निर्माण के दौरान भारी सामग्री के परिवहन में मदद के लिए 1,000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। मकबरा हर साल 8 मिलियन से अधिक पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।